अच्छा चले, 154 से ज़्यादा वोट उनको नहीं मिलेंगे। मुझे थोड़ा उसका रीज़न भी आप ज़रा समझा देना, क्योंकि हमारे बाकी साथी भी जानना चाहते हैं कि जो 154 वोट उनको नहीं मिलने, आपने उनके कोई बंदे अपनी तरफ कर लिए हैं, कोई तोड़ लिए हैं, आपके पास कोई ऐसी पेनिट्रेशन है इस मामले में, या उनके आपस में कोई मसला पड़ गया है? क्या वजह क्या है फैसल साहब 154 वोट ना पड़ने की, चलिए बताएं। एक तो ये है कि ओपोजिशन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि कोई चार्जशीट नहीं है वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, और इसलिए वो समझते ये है कि वो इससे अब्स्टेन ही करें तो बेहतर है। दूसरे अल्फाज में ये कि वो वोटिंग में हिस्सा ही ना लें तो बेहतर है। और वो बहुत से ऐसे क्लीन नीट लोग हैं ओपोजिशन के जो ये समझते हैं और इस पर काफी ज्यादा वो आमादा है। इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है ओपोजिशन के हल्कों में कि 154 का क्रॉस फिगर उनसे नहीं हो रहा। और दूसरी चीज ये है कि जहां मैंने कहा कि कुछ लोग इनके लीडरशिप के सिर्फ अपनी करप्शन जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पूरी चीज इन्होंने की थी और वो सबके सामने आश्कार हो चुकी है। और पब्लिक जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है और ये भी ओपोजिशन को दिखाई दे रहा है कि स्ट्रीट पावर आज भी इमरान खान के साथ है। और ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी गया और इसीलिए बहुत से लोग जो है ओपोजिशन की सियासत से, ओपोजिशन के अंदर रहने वाले लोग